Hey everybody, welcome back to our channel. मैं हूँ नेहा, कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं हमारे SRK का नया मूवी कार्टीज आया विद टुडे एंड द नेम इज डंकी ड्रॉप और वन भी यहाँ पे लिखा हुआ है. तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मूवी का जब अनाउंसमेंट हुआ था ना, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल वेयर सो मच एक्साइटेड. क्योंकि मतलब SRK का वीडियो, मतलब पहली बात तो ये है लेकिन एक्शन से बढ़कर इसमें कुछ और भी ऐसा है. सो लाइक वी आई मतलब मैं तो सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँगी. एंड इन दिस वी हैव SRK, राजकुमार किनारी जी डायरेक्ट कर रहे हैं एंड तापसी विक्की बोमन एंड it is going to be released this Christmas 2023. भाई सब एक महीने पहले ही आपने हमको ये अनाउंसमेंट मतलब टीजर दे दिया है. मैं तो बहुत ज्यादा ही खुश हूँ अभी. और अगर पोस्टर देख लिया जाए तो मतलब इतना मतलब ऐसा नहीं है कि यार शाहरुख का फेस और कुछ दिखाया गया, बिकॉज दिस इज एन अनाउंसमेंट वीडियो एंड SRK का नाम ही काफी है उनके फेस से ज्यादा, राइट? सो लेट अस सी हाउ SRK का डंकी ड्रॉप 1 इज गोइंग टू बी. चलिए देखते. निकले थे कभी हम घर से, घर दिल से मगर नहीं निकला. ओ भाई साहब, मैं तो देखूं घर बसा है हर धड़कन में, क्या करें हम ऐसे दिल का. Oh, this is going to be border, मतलब वो जो होते हैं ना. कसम खा पड़ी दादी थी कि आज के बाद इंग्लैंड के बात भी नहीं सोचेगा. अल्लाह को मेरी कसम क्यों खाते हो हमेशा? मैं गुगु लखनपाल कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं लंदन जाने की सोचू ही तो मेरी दादी मर जाए. सतनाम वाहे गुरु. सोचिए हो भी गया. This is insane. Ardi, arre. Manu, Gulati, Bali and Baggu. मेरी पूरी फैमिली है ये चार उल्टे पटे जो लंदन जाना चाहते हैं. उनमें एक लड़की है मनु, हमारा जो पहला बच्चा होगा ना उसका नाम मैं आप पे रखूं. आप अपना नाम बताओ बस. वांगी पुरप्पू और वेंकट कुप्पू. कोई बात नहीं सर, हम लिख के दे दो. कितने से नाम डन है. अरे भाई, दिस इज गोइंग डंकी, नॉट डंकी, डंकी. अच्छा ड्रॉप टू. ओ भाई, मतलब ये अनाउंसमेंट वीडियो का ड्रॉप वन था भाई साहब. इसके बाद मतलब टू भी आएगा जल्दी. दिस इज गोइंग टू बी इनसेन. जहां जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे मतलब एक बॉर्डर में या बॉर्डर क्रॉस करते हुए वहाँ पे एक जहाँ पे सीन दिखा हमको. सो दे बेसिकली वांट टू गो टू लंदन. ये सारे पांच लोग जो है एपी तैसार के, दे वांट टू गो टू द लंदन. तो इसीलिए वो चोरी चुपके से दे वर क्रॉसिंग द बॉर्डर एंड ऑल. और जैसे ही कसम खाया उनके दादी के ऊपर की, मैं जब भी सोचूंगी तो दादी मजा की सच में मर गई भाई. दैट वॉज बेस्ट पार्ट. सच में बोल, दैट वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ द दिस ड्रॉप वन. एंड जहाँ पे हमारे SRK का इंट्रो हुआ, वो जो मेसी हेयर में फंकी लुक में जैसे ही वॉज लुकिंग राइट. एंड मतलब यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं जैसे वी हैव बीन सीन ऑन शाहरुख खान इन दिस मूवी विद अनुष्का मैम. यार नाम याद नहीं आ रहा है. अनुष्का शर्मा के साथ एक मूवी था ना. अरे ऐसे ही होता है, मेरे को मूवीज का नाम याद नहीं था. ही इज जस्ट लाइक लुकिंग लाइक दैट. और एक यहाँ पे एक सीन था कि इनको पांच चार लोगों को भी ऐसा करके पांच लोगों को इन सबको दे वांट टू गो टू द लंदन. मतलब लेकिन उनको वीसा वीसा शायद लगभग नहीं कुछ आता, क्योंकि लंदन का वीसा मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. जिनको पता शायद लाइक लोगों को पता होगा क्योंकि वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा हमसे क्या बोलते थे पैसों का बहुत ज़्यादा है ना. तो इन जिनका बैंक बैलेंस सब कुछ एकदम सही से बढ़िया से रहता है तो उनको इसे भेजते हैं मतलब उस हिसाब से. तो इसीलिए शायद उनको उनका वीसा नहीं लग रहा है, दिस इज ऑल. और अगर बात किया जाए राजकुमार हिरानी जी के, इनके मूवीज़ के फ़ैन मेरे डैडी और मम्मी बहुत ज़्यादा, उनको उनके मूवी बहुत ज्यादा पसंद आते हैं. जैसे थ्री इडियट्स स्पेशली फ्रॉम दैट थ्री इडियट्स. और ये मूवी हमारे रणबीर कपूर का, यार
SRK का भी मूवी था, मतलब मैं नाम भूल जाती हूँ, मतलब इनके मूवीज बहुत ज्यादा देखे मैंने, यहाँ पे भी एक्चुअली नाम्स नेम दिए गए हैं, हाँ यहाँ पे मुन्ना भाई भी, थ्री इडियट्स, पी के, ये संजू, रणबीर कपूर का संजू, वही बोलने जाती थी मैं। तो ये सारे जो मूवीज है ना, मेरे मम्मी पापा को बहुत ज्यादा पसंद आता है राजकुमारी ईरानी के मूवीज, क्योंकि जब से मतलब उनके साथ जब बचपन में मूवी देखा करते थे, अभी तो उनका वो खुद ही मूवीज नहीं देखते अभी, लेकिन जब भी उनके साथ मूवी देखा करते, थ्री इडियट्स एक ऐसा मूवी है दैट वी होल फैमिली लव, और पी के मेरे मम्मी को, मैं मुझे लाइक डैडी को छोड़ के, एंड संजू तो यार किसको नहीं पसंद है, द मूवी द वे इट्स क्रिएटेड, एंड मुन्ना भाई एमबीबीएस उसको तो वी कांट इवन से अबाउट दैट मैन, और भाई साहब और डंकी भी आ रहा है, इट्स नॉट डंकी इट्स डंकी, तो मैं गलत प्रोनाउंस किया, इट्स लाइक डंकी, तो अभी इसका ड्रॉप टू कब आएगा, आई बी वेटिंग फॉर दैट, और जल्दी ट्रेलर आ जाए, अभी एक महीना लाइक डेढ़ महीने में क्रिसमस है ना, हाँ जब 1 month 25 days, हालांकि 2 months ही बोल दो, तो 2 months में अभी है ट्रेलर कब आएगा सब कुछ, आई एम लाइक एक्साइटेड, स्पेशली मैं एक्साइटेड हूँ इस बात के लिए कि यहाँ पे कॉमेडी सीन्स जो भी यहाँ पे होने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा इट्स बीन लाइक दैट, वो पीके का जो स्टार्टिंग वाले सीन था ना, कि वो जैसे उतरता है फ्रॉम द UFO, तो वहाँ से एलियन ऐसे ऐसे मतलब होते हुए जाता है, तो वो थोड़ा मेरे को सिमिलर नहीं लगा, लेकिन वो जो प्लॉट थोड़ा वैसा था ना, लाइक दे हैव बीन गोइंग ऑन बजरंगी भाईजान, थोड़ा वैसा लगा था मुझे, लेकिन मैं लिटरली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ XRK के कॉमेडी टाइमिंग्स के लिए, क्योंकि उनके जो ये ऐसे वाले मूवीज में तो वही ही मतलब कॉमेडी टाइमिंग्स एंड वो सब कुछ होता है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो आई बी लाइक सो एक्साइटेड, और इनके सॉन्ग्स स्पेशली, तो सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग, और विकी कौशल की बात किया जाए, यहाँ पे कोई डायलॉग वायलॉग तो नहीं है, विकी कौशल का सिर्फ ड्रोई फ्रेम में ही इज बी लुकिंग वन, एक कॉलेज के या क्लासरूम के सीन में, और जब वहाँ पे सब कुछ एक साथ वो सारे चल रहे थे तो वहाँ पे, और मतलब क्या होगा इन सब लोगों का रोल एंड हाउ दे विल गोइंग टू बी लंडन, ये सब कुछ फुल ऑन स्टोरी प्लॉट ट्विस्ट है, तो मैं तो बहुत सच्ची में एक्साइटेड हूँ यार, क्योंकि राजकुमार हीरानी इनके मूवीज के बारे में अगर बात किया जाए तो वे ही ट्राइज टू इन्वॉल्व पीपल इन हिज मूवीज, जैसे हमने मूवीज इनके मूवीज में देखे ही हैं कि वो मूवीज में कैसे इन्वॉल्व करते हैं लोगों को, कि यार मतलब आगे क्या होने वाला, पीपल विल बी लाइक सो एक्साइटेड, और मतलब एक्साइटेड होते हैं कि यार अभी आगे और क्या होगा लाइक दैट, और लास्ट में फिर से ही लीव्स एंड क्या छोड़ दे, एक फिर से एक क्या आशा छोड़ दे कि यार हाँ भाई मूवी खत्म होने के बाद भी और एक भी मूवी आएगा इसके ऊपर, लाइक दैट ही डज, तो देखेंगे हम इसका भी ड्रॉप टू कब आएगा, राइट, सो या दैट इज इट फॉर टुडे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट, थैंक यू।